कोविड की वजह से लगातार एक साल स्कूल बंद रहने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर बोर्ड जो है वो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो है वो 12वीं की डेटशीट निकाली है और आज जो है वो पहला इंग्लिश का पेपर है। ये एग्जाम जो है वो 5 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेंगे। इसमें जो हर एक स्टूडेंट है उसको पेपर में सिर्फ 70% सिलेबस जो है वो अटेंड करना है। काफ़ी जो बच्चे जो गरीब और दूर दराज इलाके के जो बच्चे हैं उनको इस वक्त काफ़ी दुश्वारियाँ जो है एग्ज़ाम देने में पैदा हो रही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो सिलेबस है वो पढ़ा नहीं है। जबकि शहर के बच्चे अगर उसके मुकाबले में देखें, हालांकि उन्होंने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड की है, लेकिन फिर भी जो है उनकी प्रिपरेशंस पूरी नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो ये बच्चे हैं वो किस तरह से इस पेपर को करते हैं और इसमें जो है वो कितने कामयाब होते हैं, और हम जो है वो इन बच्चों को जो है वो मुबारकबादी देते हैं कि इतने पूरे साल जो है वो घर में इन्होंने जो है वो कोविड की वजह से जो है वो मुसीबतें झेली और अब इस वक्त एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और मैं उनको जो है वो कामयाबी की जो है मनोकामनाएं देता हूं। मैं आसिफ नायक किश्तवाड़ से अर्ली टाइम्स के लिए।